हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। नमस्ते आप सबको। मेरा एम है कुकिंग को इजी करना और बहुत कम टाइम में बनाना। तो अक्सर आज के टाइम में जो बच्चे स्टडी के कारण या जॉब के कारण या किसी भी वजह से परिवार से दूर हैं, घर से दूर हैं, तो उन बिगनर्स के लिए मैं इजी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप उन्हें फॉलो कीजिए, बनाइए, क्योंकि ज़्यादातर खाना मार्केट से मंगाकर नहीं खाया जा सकता लंबे टाइम तक। तो आप इन रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए और बनाइए, जो बहुत ही इजी हैं और कम टाइम में बन सकती हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर हस्बैंड बाहर जाते हैं तो वाइफ भी जॉब करती हैं, तो किचन का काम इसलिए मिलकर दोनों को करना पड़ता है। तो इसीलिए ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल अभी किचन में नए नए हैं और हस्बैंड को भी किचन का काम करना पड़ता है, तो वो ये यहाँ से सीख सकते हैं कि हम लोग कम से कम टाइम में इतना इजी खाना घर में कैसे बनाएं। तो फिर चलते हैं और बनाते हैं। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव, जो बहुत ही इजी है और क्विक है। जब कभी भी आपको भूख लगी हो और खाने के लिए कुछ और बनाने को मन ना कर रहा हो और घर में कुछ और ज़्यादा सामान भी ना हो और आप थके हुए भी हो, तो आप जल्दी से जल्दी इसे बना सकते हैं। चाहे वो जेंट्स बनाएं या लेडीज़ बनाएं, कोई भी बना सकता है। तो फिर ठीक है, चलिए बनाते हैं मटर पुलाव। सबसे पहले हम एक कटोरी चावल लेंगे और उसे दो तीन पानी अच्छे तरीके से धोकर और फिर उसमें डेढ़ कटोरी पानी नापकर आधे घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। मेरा हरी पत्ती राइस है तो इसको आधा घंटा भिगोना ज़रूरी हो जाता है। और अब हम लेंगे फ्रोज़न मटर, वो भी एक कटोरी के करीब होने चाहिए, उन्हें पानी से धोकर रख लें। कुकर में हम एक करछी ऑयल डालेंगे और उसे गरम करने के लिए रख देंगे। जब वो अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा तो पिंच भर हम हींग डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें फिर जीरा डालेंगे और उसको चटकने के लिए रख देंगे। जैसे ही वो चटक जाए तो हम फ्रोज़न मटर डालकर नमक डालेंगे। नमक मेरा सेंधा है तो यहाँ लगभग सवा चम्मच के करीब मेरा नमक डलेगा। अगर टाटा नमक होगा तो 1 टेबल स्पून ही काफ़ी होता है। अब मटर को थोड़ा सा चलाएं और फिर इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें। अगर आप हरी मिर्च भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें। और अच्छे तरीके से मटर हिलाएं, मटर को पकने में तो देर नहीं लगती। और फिर इसमें जो भीगे हुए चावल हैं उस पानी समेत डाल दें और इसे करछी से अच्छे ढंग से हिलाकर कुकर बंद कर दें। अब कुकर को बंद करके हम एक विसिल दिलवाएंगे और जब एक विसिल लग जाएगी तो गैस ऑफ कर देंगे। और जब प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तो हम कुकर खोलेंगे तो देखेंगे हमारे इतने सुंदर चावल बनकर तैयार। मटर पुलाव देखने में जितने ही अच्छे होते हैं, खाने में भी ये उतने ही स्वादिष्ट होते हैं और झटपट ये बनने वाले हैं और पेट को भरने वाले हैं। इन्हें बैचलर लोग भी, बच्चे बना सकते हैं। इसको दही के साथ, लस्सी के साथ, घी के साथ, मक्खन के साथ किसी भी तरीके से आप खाइए और घर वालों को भी खिलाइए, वो भी खुश हो जाएंगे। इतने ईजी रेसिपी में बनने वाले हैं, तो इसे फॉलो कीजिए, बनाइए, खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।